हेलो दोस्तों, आराध्या रिस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय इतिहास के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रमवाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। आज अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आज मैं आपको टॉप 70 प्रश्न है वो बताने वाला हूँ। और ये प्रश्न है ये 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, इसलिए आपको रोजाना मेरे साथ में चलना है। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, ये कौन से युग से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है ये सिंधु घाटी सभ्यता। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है दोस्तों इसका समय है वो माना जाता है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हैं वो हड़प्पा नामक स्थान से ही प्राप्त हुए थे, ठीक है। आगे देखिए इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो दोस्तों वो है पुरातात्विक खुदाई। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें तीन नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ये सन 1921 में हुई थी, और किसके द्वारा ये खोज की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा ये खोज की गई थी। कहां पर है ये हड़प्पा सभ्यता? तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है, मोंटगोमरी पाकिस्तान, ठीक है, वहां पर यह स्थित है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चार नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मद्रभांड। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। इनमें काफी प्रश्न है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण भी है। आगे देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो दोस्तों वो मूल स्रोत है, देखिए, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, RS RTS 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें सिक्स नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की थी? तो दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें सात नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो उनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा वो है अलेक्जेंडर कनिगम, याद रखना। यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी ये अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, LIC ADO 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है, इससे आपका कंप्लीट टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा और आपका अपना स्कोर भी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ग्रीक की सभ्यता है वो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नौ नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था, बताइए सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दस नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे?
निम्नलिखित में से कौन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वी ए स्मिथ, वी ए स्मिथ। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वी ए स्मिथ। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, लोगों को लोहे की जानकारी है वो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। दोस्तों लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें तीनों सही है। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, चंदहुडो, कोटदीजी और देसलपुर, ये तीनों दोस्तों हड़प्पा स्थल है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सो है गोरा, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस प्री 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तोल से सुस्पष्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बाद में हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोनों ही सही है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी? हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, तो दोस्तों ये विस्तृत थी पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक ये विस्तृत थी, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश तक ये विस्तृत थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, देखिए सोरतुगई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता है ये कौन से देश में है दोस्तों? ये जो इसमें देखिए, जो यहां पर मैंने आपको बताया है हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, इनके अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश के अलावा दोस्तों सिंधु और बलूचिस्तान में भी ये विस्तृत थी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों सोरतुगई भी बोलते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। ये अफगानिस्तान में है दोस्तों, यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, अपने इसमें दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, दोस्तों दिए गए कथनों पर अपने को यहां पर क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, इसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, अफ्रीकी देश मोरक्को तक नहीं था दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो विस्तार है वो दोस्तों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये विस्तृत है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर का गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ केवल पहला सत्य है इसमें, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है, अपने को यहां पर बताना है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा पर कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी सीमा पर कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है ये दोस्तों मांडा जम्मू में है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहां पर है, मांडा जम्मू में। और यहां पे देखिए, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है ये दोस्तों दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, दायमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो है सुतका गेंडोर, ठीक है,
सुतका गिंडोर बलूचिस्तान। तो यहां पर सारे के सारे सही सुमेलित दे रखे हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, मोहन जोदड़ो का अर्थ है। मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये अर्थ है मृतकों का टीला। मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मोहन जोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहन जोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है, मोहन जोदड़ो। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है मोहन जोदड़ो। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अपना इसमें मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोहनजोदड़ो में अन्नागार, ठीक है, तीन मुख वाले देवता, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, स्नानागार, ये सारी चीजें मोहनजोदड़ो में मिले हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है, याद रखना आगे काम आएगा ये प्रश्न, मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है अन्नागार। ठीक है, कौन सा है? अन्नागार। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो। यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा स्थल कोट दीजी, कोट दीजी ये कहां पर है? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये खैरपुर पाकिस्तान में है। कहां पर है? खैरपुर पाकिस्तान में। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो के समीप है ये। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दिए गए कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है वो अपने को बताना है। देखिए, अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों सिंधी भाषा आएगा यहां पर, ठीक है, अरबी की जगह क्या आएगा? सिंधी भाषा। तो यहाँ पे सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो मृतकों का टीला होता है। ठीक है, ये अपना पहला कथन गलत हो गया। आगे देखिए, इसमें मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और देखिए, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहां पर अपना इसमें दूसरा और तीसरा कथन है वो सत्य है। तो यहां पर कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 25 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर देखिए। इसमें देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कारण आर देखिए, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है, गलत हो जाएगा दोस्तों। स्नानागार और अन्नागार ये प्रमुख इमारत थी मोहनजोदड़ो की, ये पुरोहितों का विद्यालय थे। ठीक है, यानी कि पुरोहितों के आवास थे वहां पर, लेकिन प्रमुख इमारत में नहीं आती है। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, केवल इसमें कथन ए सही है, कारण आर गलत है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मिट्टी के पात्र के लिए ये कालीबंगा है, ये प्रसिद्ध है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगा की खोज है वो दोस्तों बीपी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी 1953 में गग्गर नदी के किनारे श्रीगंगानगर राजस्थान में। ठीक है, जहां पर जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी का हल, ठीक है, ये मिले हैं वहां पर। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
दिए गए कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है कौन सा कथन इसमें क्या है सत्य है। तो दोस्तों इसमें देखिए, कालीबंगा में दो टीले मिले हैं, कालीबंगा में दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, जो सुरक्षा दीवारों से क्या है घिरे हैं, बिल्कुल सही है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ दो फसल उगाना जानते थे, बिल्कुल सही है। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हैं, ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तीनों ही सत्य है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, 1 2 3 तीनों ही सही है। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है, कहां पर स्थित है धोलावीरा, तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, गुजरात में स्थित है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धोलावीरा से मिला है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धोलावीरा, यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा, याद रखना ठीक है धोलावीरा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गगर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो कौन सा स्थल गगर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है इसमें बनावली, ठीक है बनावली इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये बनावली है ये दोस्तों हिसार हरियाणा में है, ठीक है यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, अपने को यहां पर बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों इसमें देखिए बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हुए हैं, तो दोस्तों ये भी क्या है इसमें बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनावली जो सभ्यता है इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, और 1974 में इसका उत्खनन किया गया था, और रंगोई नदी के किनारे ये बनावली है ये स्थित है हिसार हरियाणा में, ठीक है यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बनावली के कई मकानों से अग्निवेदिकाएं मिली हैं, बनावली के कई मकानों से अग्निवेदिकाएं मिली है, कारणार देखिए दोस्तों इसमें बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है यहाँ पर बनावली के कई मकानों में अग्निवेदिकाएं मिली है लेकिन अग्नि की पूजा है वो नहीं की जाती थी, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए सत्य है और आर गलत है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाटलिपुत्र, यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है, कथन ए में देखिए रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, कारण आर देखिए इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, इसका आधुनिक नाम क्या है रूपनगर है, तो दोस्तों इसमें दोनों ही कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। दोस्तों रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में ये स्थित है, ठीक है यहाँ पर दोस्तों मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, तो यानी कि इसका आधुनिक नाम रूपनगर है और रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, इसमें दोस्तों दोनों ही सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या है वो नहीं करता है, यहाँ पर इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों तांबे का जो रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों ये दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है दायमाबाद से, तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दायमाबाद से, ठीक है और ये दायमाबाद कहाँ है महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 37 नंबर का प्रश्न है,
देखिए हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा एक इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए आलमगीरपुर कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बनावली कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। दायमाबाद कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी राजस्थान यहाँ पर गलत दे रखा है दोस्तों। राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये है हरियाणा में, कहां पर है, हरियाणा में है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है, दोस्तों महाराष्ट्र में कौन सा स्थल है वो स्थित है वो अपने को यहां पर बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं, देखिए दायमाबाद है, ये एकमात्र ऐसा स्थल है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहां पर अपना सी नंबर का यानी कि तीन नंबर का ऑप्शन सही। कूट भाषा में उत्तर बताना था तो केवल तीन, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, तो दोस्तों लोथल है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था, ये स्थित था दोस्तों भोगवा नदी के किनारे, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, भोगवा नदी के किनारे। आगे देखिए किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लोथल से। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, लोथल। आगे देखिए इसमें निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है शहर माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लोथल। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। ठीक है आगे देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए लोथल से घोड़े की लघु मणमूर्ति, ठीक है घोड़े की लघु मणमूर्ति है ये भी दोस्तों इसमें क्या है प्राप्त नहीं हुई। तीन युगल समाधियां ये भी प्राप्त हुई। अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार, ठीक है ये दोनों। यहां पे देखिए घोड़े की लघु मणमूर्ति और तीन युगल समाधियां ये लोथल से प्राप्त हुई है, ठीक है लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद गुजरात में, यहां पर बंदरगाह है, हाथी के दांत का पैमाना, सब युग्म समाधान यानी कि युगल समाधियां, ठीक है। तो यहां पर देखिए घोड़े की लघु मणमूर्ति और तीन युगल समाधियां हैं वो प्राप्त हुई है, लेकिन यहां पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहां पर तीन और चार इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी, तो दोस्तों सुरकोटड़ा की जो खोज है वो किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जेपी जोशी ने की थी दोस्तों सुरकोटड़ा की खोज, तो यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है, किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुरकोटड़ा से। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुरकोटड़ा से। आगे देखिए सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है अपने को बताना है कि कौन से स्थल के खोजकर्ता कौन थे, कौन से स्थल के खोजकर्ता कौन थे वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए हड़प्पा, ठीक है हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे वो दोस्तों कौन थे, तो वो थे दयाराम सानी, कौन थे दयाराम सानी। मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वो थे राखलदास बनर्जी, और चंदहुड़ो, चंदहुड़ो के जो खोजकर्ता थे वो थे दोस्तों एन जी मजुमदार, ठीक है यानी कि दोस्तों यहाँ पर गोपाल मजुमदार, और लोथल के जो खोजकर्ता थे वो थे दोस्तों रंगनाथ राव, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए 3142 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3142 इसका बिल्कुल सही उत्तर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी अपने को क्या करना है सुमेलित करना है, एक तरफ हड़प्पी स्थल है दूसरी तरफ स्थिति है, अपने को बताना है कि कौन सा स्थल कहां पर स्थित है। मांडा, मांडा कहां पर है, तो दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी हिस्सा है
ये मांडा है जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और ये जो दायमाबाद है ये महाराष्ट्र में है, कालीबंगा कहाँ पर है तो ये राजस्थान में है, और राखीगढ़ी कहाँ पर है तो ये हरियाणा में है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें देखिए 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2, यानी कि अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और ये इसमें भी वैसा ही है, ठीक है। अपने को वो बताना है कि कौन सी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, तो दोस्तों वो थे दयाराम सानी। कौन थे, दयाराम सानी, ठीक है। और हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के जो खोजकर्ता थे वो दोस्तों थे कौन, तो वो थे बीबी लाल। कौन थे, बीबी लाल। तक्षशिला के खोजकर्ता थे वो है दोस्तों कौन बताइए, तो वो थे दोस्तों जॉन मार्शल। कौन थे, जॉन मार्शल, ठीक है। और कौशाम्बी के थे दोस्तों एम जी मजुमदार। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 3 4 2 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 2 1, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक वैसा ही अपने को बताना है कि कौन सी सभ्यता स्थल से क्या मिला है। यहां पर देखिए हड़प्पा स्थल से दोस्तों, हड़प्पा स्थल से क्या मिला है, तो यहां पर देखिए समाधान R37, समाधान R37, ठीक है। और यहां पर देखिए लोथल से दोस्तों, लोथल से क्या मिला है, तो दोस्तों जो यहाँ पे अपन बोलते हैं गोदी, ठीक है, गोदी यानी कि जिसको अपन डाक यार्ड यानी कि बंदरगाह बोल सकते हैं, ठीक है। और कालीबंगा से दोस्तों नर्तकों की मूर्ति मिली है, और मोहनजोदड़ो से जुते हुए खेत मिले हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 1 2 3 4, इसमें चारों ही क्या है सही है। तो यहां पर डी नंबर का, सॉरी यहां पर देखिए कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से नर्तकों की मूर्ति मिली है, बाकी सारे सही है। हड़प्पा से समाधान R37, लोथल से गोदीबाड़ा, और कालीबंगा में दोस्तों जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो से नर्तकों की मूर्ति। राइट आंसर 1 2 4 3 हो जाएगा, 1 2 4 3, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है बताइए, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है बताइए कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए इसमें आलमगीरपुर और हुलास, आलमगीरपुर और हुलास ये दोनों है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में क्या है स्थित है। बाकी कालीबंगा तो राजस्थान में है, और लोथल गुजरात में है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 सही है, यानी कि डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट में हड़प्पा स्थल है, और सूची सेकंड में आधुनिक नाम है, सूची सेकंड में आधुनिक नाम है। यहां पे देखिए धोलावीरा का जो आधुनिक नाम है वो क्या है, तो दोस्तों धोलावीरा का जो आधुनिक नाम है वो है दोस्तों देखिए कादिर टापू द्वीप, कादिर टापू द्वीप है, ठीक है। और देखिए राखीगढ़ी का जो वर्तमान में जो नाम है वो है दोस्तों क्या, तो वो है हिसार। और बिरडाना, बिरडाना का दोस्तों वर्तमान में यानी कि आधुनिक नाम है तो वो है इसमें हरियाणा, ठीक है, कौन सा है, हरियाणा। और भोगवा का दोस्तों वर्तमान में नाम है सौराष्ट्र। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और देखोगे तो आपकी कुछ तो समझ में बैठेगा ही। देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए, आईएएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया था, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। लोथल, लोथल से दोस्तों क्या मिला है, तो दोस्तों गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगा में दोस्तों जुते हुए खेत मिले हैं, और यहां पर देखिए धोलावीरा, दोस्तों धोलावीरा से क्या मिला है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा इसमें धोलावीरा से दोस्तों, इसमें देखिए हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धोलावीरा से। और बनावली से दोस्तों देखिए पक्की मिट्टी से बने हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों एक, यहां पर देखिए 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर।
आगे देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट में सिंधु स्थल है और सूची सेकंड में स्थान है। लोथल कहाँ पर है दोस्तों, ये तो पता होगा सभी को दोस्तों, लोथल है ये कहाँ पर है तो ये गुजरात में है, रोपड़ कहाँ पर है तो ये पंजाब में है, बनावली कहाँ पर है ये हरियाणा में है, और कालीबंगा कहाँ पर है ये राजस्थान में है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 4321 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था, सूची फर्स्ट में हड़प्पा हड़प्पा स्थल है और सूची सेकंड में नदी पर संस्कृति की बस्ती, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कौन सा हड़प्पा स्थल कौन सी नदी पर स्थित है। यहाँ पे देखिए हड़प्पा हड़प्पा है ये दोस्तों, देखिए कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा है ये दोस्तों रावी नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगा है कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है, लोथल है दोस्तों लोथल, ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और रोपड़ है ये पंजाब में है, और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 3214 3214 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे 3214 कर लेना, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है इसमें कौन सा सही है, ठीक है। यहां पर देखिए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। देखिए दोनों ही सही है इसमें, कारण भी सही है और कथन भी सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या है वो नहीं करता है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वह नगरीय सभ्यता थी, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो वो थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चौड़ी एवं सीधी थी, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चौड़ी एवं सीधी। 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें पक्की ईंट से बनी इमारत है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी, बताइए हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, यहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए इसमें कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त था, कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धोलावीरा, यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो यहां पर देखिए कुओं का निर्माण, नालों का निर्माण और धनुष का निर्माण, ठीक है, ये तीनों है ये दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, लेकिन स्तंभों का निर्माण है ये नहीं है, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है, हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है, बिल्कुल सही है। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर कौन सा कथन सही है, दोनों ही कथन सही है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, तो दोस्तों यहां पर देखिए हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर क्या था, आधारित था, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ग्रिड प्रणाली पर यह क्या था, आधारित था, ठीक है। आगे देखिए यहां की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर
काटती थी। ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें। इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, एक और दो दोनों। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? देखिए दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। कूटभाषा में उत्तर देना था, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, सही सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नगरीय प्रमाण है और सूची सेकंड में स्थल है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों सीधा से मैं आपको बताऊं, अन्नागार, ठीक है। देखिए अन्नागार दोस्तों, अन्नागार ये मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण मिले हैं, और गोदीवाड़ा, ये दोस्तों गोदीवाड़ा का जो प्रमाण है ये लोथल से मिला है, और श्रमिक निवास, ठीक है। यहाँ पे देखिए श्रमिक निवास का जो प्रमाण है वो दोस्तों हड़प्पा से मिला है, और उन्नत जल प्रबंधन का जो प्रमाण है वो धोलावीरा से मिला है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 2143 हो जाएगा, 2143, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें 66 नंबर का प्रश्न है। कथन ए और कारण आर देखिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। कारण आर देखिए, क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है, क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। तो यहां पर देखिए दोनों ही कथन और कारण दोनों इसमें क्या है, सत्य है, लेकिन यहां पर आर है वो एक ही सही व्याख्या है, वो नहीं करता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्रत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दिए गए कथनों पर अपने को यहाँ पर क्या करना है, विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। देखिए विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, बिल्कुल सही है। यह बहुमंजिला इमारत थी, यह भी बिल्कुल सही है। इसकी बाहरी दीवार पर कांसे की 1 इंच मोटी परत लगी थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पर पहला और दूसरा कथन ही क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दिए गए कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। 69 नंबर का प्रश्न है ये। देखिए दोस्तों अपना इसमें अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस से बना हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए इसमें अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, ये गलत हो जाएगा। हवा जाने का स्थान तो था, ठीक है, दूसरा नंबर का गलत। तीसरा देखिए अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहां पर पहला और तीसरा कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और कारण आर। इसमें देखिए अन्नागार राजकीय भंडारागार था, अन्नागार राजकीय भंडारागार था। कारण आर देखिए, इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूल किया जाता था। बताइए अन्नागार राजकीय भंडारागार था, अन्नागार राजकीय भंडारागार था, बिल्कुल सही है। और इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूल किया जाता था, बिल्कुल सही है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? सभा भवन का मुख्य जो द्वार है वो किस दिशा में था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर दिशा में, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए दोस्तों मोहनजोदड़ो अन्नागार, मोहनजोदड़ो अन्नागार, ठीक है। श्रमिक निवास हड़प्पा, श्रमिक निवास दोस्तों हड़प्पा, बिल्कुल सही है। तांबे की कुलाड़ी रोपड़, तांबे की कुलाड़ी रोपड़, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर दोस्तों
कालीबंगा सभा भवन दे रखा है, गलत हो जाएगा। कालीबंगा से तो दोस्तों जुते हुए खेत, अग्निवेदिकाएं, पक्की मिट्टी के हल मिले हैं, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था तो वो स्वरूप था दोस्तों मात्र सत्तात्मक, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हड़प्पाई के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी तो वो पद्धति थी दोस्तों कौन सी, तो वो थी उचित समतावादी, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान दिविसव संस्कार का प्रमाण मिला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो ये मिला है दोस्तों कहाँ से, तो ये मिला है लोथल से, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लोथल से, ठीक है, युगल समाधान का प्रमाण मिला है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शेर के अवशेष है वो नहीं मिले हैं, घोड़ा गाय और हाथी के अवशेष मिले हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें सिंधु सभ्यता का समाज चार वर्गों में विभाजित था, बिल्कुल सही है। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें एक दो तीन, तीनों कथन सत्य है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो कौन एक सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है दोस्तों। यहां पर देखिए, सीधा सा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, विद्वान वर्ग को वेद्य कहा जाता था, ठीक है, विद्वान वर्ग को वेद्य कहा जाता था, ठीक है, और योद्धा वर्ग को दोस्तों युद्ध करने वाले लोग, ठीक है, और यहां पे व्यापारी वर्ग चर्मकार, ये गलत हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ठीक है, चर्मकार है वो इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, बाकी इसमें सारे के सारे हैं वो इसमें सही है, यहाँ पे श्रमिक वर्ग कृषक, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 79 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय था वो था दोस्तों कृषि, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर था, तो कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह नगर था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लोथल, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो प्राचीनतम साक्ष्य है ये दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कपास के उत्पादन में प्रथम थे, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो दोस्तों देखिए तांबा, स्वर्ण और चांदी तीनों की प्राप्ति हुई है लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं, तो दोस्तों निम्न में से कौन से हैं द्योतक वो, तो वो है दोस्तों मुद्राएं, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, दोस्तों दिए गए कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों, इसमें सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, बिल्कुल सही है। बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, बिल्कुल सही है। थलीय मार्ग अज्ञात थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तो बाहरी व्यापार है वो जलीय मार्ग से होता था, इसमें पहला और दूसरा कथन है वो क्या है, सत्य है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्माणी स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे, निम्नलिखित में से किस निर्माणी स्थल से चूना पत्थर और चर्ट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियाँ, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पशुपति की पूजा करते थे, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर।
आगे देखिए, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रावली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मृण पट्टी का अपर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है? मृण पट्टी का पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कालीबंगा से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, कंठहार आभूषण, दीपलक्ष्मी देवी, अदिति देवी, ये गलत हो जाएगा इसमें, रुद्र शिव देवता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। देखिए, प्रश्न थोड़े हाई लेवल के हैं, लेकिन टॉपिक में इससे क्या है कि टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मण मूर्तियां प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष की यानी कि वृक्ष पूजा व नाग पूजा का प्रचलन था, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे, गलत हो जाएगा। ये भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास रखते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो यहाँ पर अपना चौथा नंबर का गलत हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा तीसरा सही है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मूलों पर नहीं मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है अपना इसमें घोड़ा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? मनके का जो निर्माण है वो दोस्तों पकी हुई मिट्टी यानी कि टेराकोटा से हुआ है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह है दोस्तों अपना इसमें गाय। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गाय। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो है अज्ञात थी दोस्तों। यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, मण मूर्तियां हरे रंग की, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मद्रभांड लाल व गुलाबी रंग, मुद्राएं घनाकार व गोलाकार, आभूषण सोने व चांदी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? तो दोस्तों इसमें देखिए, योगी की मूर्ति, ठीक है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, ये गलत हो जाएगा, संयुक्त पशु मूर्ति, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक दो और चार सही है इसमें, एक दो और चार यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए दोस्तों, यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरी की साक्षी रही है, बिल्कुल सही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखे जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है, बिल्कुल सही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। और इसमें पत्थर मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, यानी कि इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों जल परिवर्तन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।